नमस्कार। आज हम करेंगे बेसिक मैथ। फोर्थ सिक्स सेवन और एट, सिक्स क्लास का, सेवन्थ का और एट्थ क्लास का बेसिक मैथ सोल्व करेंगे आज हम। देखो, आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। इस रूल से बहुत बदमाश रूल, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मीन्स होता है गुणा, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो इस रूल का फॉलो करके हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3 प्लस 6/7 इंटू 6/2 डिवाइड बाई 2/4। ठीक है, मान लो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? जो हमने ये रूल था बी ओ डी एम ए एस, इसमें पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, हमारे पास कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो ये कट हो जाएगा। ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो गुणा है उसको सोल्व करते हैं, ये भी हमारे पास नहीं है। डी फॉर डिवाइड, हमारे पास ये डिवाइड है तो पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 2/3 प्लस 6/7 इंटू, इसको सोल्व करेंगे, देखो 6/2 डिवाइड बाई 2/4। ठीक है, 2/3 प्लस 6/7 इंटू, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल में हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स 2/4 का उल्टा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर जाके 4/2। ठीक है, अब देखो हमने डिवाइड रूल सोल्व कर लिया, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई को सोल्व, ये कट हो गया, हमने इसको सोल्व कर लिया, अब बच गई ये, प्लस ऐड हो गया हमारे पास 2 ये। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं, 2/3 प्लस 6/7 इंटू 6/2 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो जो भी आता है, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36/7। ठीक है, अब एड एक फ्रैक्शन बच गया हमारे पास एड, इसको ऐड कर देते हैं। 7 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 21, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 7 3 जा 21, 36 3 जा 108, इसको ऐड कर देते हैं, देखो 108 प्लस 14, 2 2 1 122 अपॉन 21। इसको हम, जो हमारे पास फ्रैक्शन थी इसको सिंपलीफाई कर लिया हमने, क्या आंसर आ गया? 122/21। इस रूल का प्रयोग करके हम किसी भी बड़ी फ्रैक्शन को एक छोटी सी फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। पहले करते हैं ब्रैकेट सोल्व, ब्रैकेट नहीं है तो इसको कट कर दो, फिर करते हैं ऑफ, ऑफ मीन ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लाई होती है उसको, बाद में करते हैं डिवाइड, इसके अनुसार नंबर वाइज हमें सोल्व करनी होती है फ्रैक्शन। डिवाइड हमने पहले डिवाइड सोल्व की, बाद में मल्टीप्लाई सोल्व की, बाद में एडिशन, इसमें सब ट्रैक कहीं कहीं पर नहीं था, इसलिए यहीं तक ये रूल प्रयोग हुआ। ठीक है, अब देखो एक चीज और सीखते हैं हम आज, एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकाल, किसी भी दो संख्या का एलसीएम, मान लो हमारे पास 4 है एंड 6 है, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं 4 और 6 का? ये देखो, पहले किससे डिवाइड हो रहा है,
टू से हो रहा है, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। अब देखो ये दोनों अलग अलग संख्या हो गई, पहले इसको टू से कर दो, टू वन जा टू, थ्री डिवाइड नहीं हो रहा है तो एज इट इज छोड़ दो इसको, फिर थ्री से, थ्री वन जा थ्री, फिर वन से हो रहे हैं दोनों, फिर इसका एलसीएम क्या आ गया, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू वन मल्टीप्लाई टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, एलसीएम क्या आ गया ट्वेल्व। ठीक है, ऐसे ही हम अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एचसीएफ निकालते हैं हमें एट का और ट्वेल्व का। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या क्या है ट्वेल्व, तो ट्वेल्व को डिवाइड कर देंगे एट से, छोटी संख्या क्या है एट, एट से कर देंगे, एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन ट्वेल्व से ज़्यादा इसलिए एट वन जा एट, ट्वेल्व में से एट गए थे फोर। अब देखो फिर करेंगे हमें एट को फोर से डिवाइड, फोर टू जा एट, हमारे पास आ गया जीरो, तो एच एफ क्या हो गया, एच एफ हो गया फोर। एच एफ हमेशा लास्ट जो तब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता या फिर छोटे से छोटा रिमाइंडर नहीं आ जाता, उसका जो डिवाइजर है डिवाइजर में जिससे भाग देते हैं वही हमारा एच एफ होता है। ठीक है, अब देखो एच एफ का मतलब क्या होता है, एच एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री फोर एंड अप टू सो, नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट नंबर, इट इज डेनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं और इनकी कोई गिनती नहीं होती, ये इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक है, अब आता है होल नंबर, होल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और सभी नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं। होल नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो से स्टार्ट होते हैं और इसके अंदर सभी नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, जैसे जीरो वन टू एंड अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब आता है ओड नंबर, ओड नंबर क्या होते हैं, दीज आर दोज नंबर विच डजंट डिवाइड बाय टू, ये वे नंबर होते हैं जो दो से भाग नहीं जाते, जैसे तीन पाँच सात नौ एंड अप टू सोन। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, दीज आर दोज नंबर विच डिवाइडेड बाय टू, ये वो नंबर होते हैं जो दो से भाग जाते हैं, दो चार छ आठ एंड ऐसे ही अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, अब देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, दीज आर दोज नंबर विच डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ, ये वे नंबर है जो एक से और खुद से भाग जाते हो वही प्राइम नंबर कहलाते हैं, जैसे कि टू एक से जाता है और खुद से जाता है, थ्री एक से जाता है और थ्री से जाता है खुद से जाता है, फाइव सेवन इलेवन ऐसे ही। ठीक है, अगला हमारा इंटीजर नंबर्स, द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नेचुरल नंबर है कंसिस्टिंग सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट करते हैं, इट इज डेनोटेड बाय कैपिटल जेड, ये कैपिटल जेड से डेनोट किया जाता है, एग्जांपल जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू सोन अप टू सोन, ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में यूज किए जाते हैं, नंबर लाइन बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है सभी इंटीजर्स का। ठीक है, इसमें प्लस माइनस वाली सभी संख्या ऐड होती है और विद जीरो, जीरो के साथ। ठीक है, आज हमने नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, एच सी एफ एल सी एम निकालने सीखे और बोधमास रूल, सिंपली फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करना सीखा। ठीक है, अगली वीडियो में हम और कुछ बेसिक मैथ सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।